ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे इन दोनों ही स्पीकर बॉक्स में स्वीटन कंपनी का 2A क्रॉसओवर लगा हुआ है। कंपनी इसे 12 dB का बता के अपनी वेबसाइट पे बेचती है, बट ये 12 dB का नहीं है, क्योंकि ये क्रॉसओवर का डायग्राम मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा वीडियो में आगे, और ये वाला क्रॉसओवर जो है ये 12 dB का है। इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ये जो 2.2 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर था, इसको मैंने निकाल दिया है इस क्रॉसओवर से, और इसके पीछे दो 4.7 माइक्रोफेरेट के कैपेसिटर अलग से लगा दिए हैं। ये वाली जो सर्किट बनी है ये 12 dB की सर्किट बनी है, और इन दोनों की साउंड क्वालिटी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्यों मॉडिफिकेशन किया है, क्या मॉडिफिकेशन किया है, ये मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके भी अभी बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, हमारे स्पीकर बॉक्स के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वूफर लगा होता है, वो भी हमें बेस्ट क्वालिटी की साउंड निकाल के नहीं देता है। हालांकि उसकी काबिलियत तो होती है बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी निकाल के देने की, बट वो दे नहीं पाता है, क्योंकि उसको हम एक बेस्ट क्वालिटी का क्रॉसओवर उसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। क्रॉसओवर कितना इंपॉर्टेंट है, यही मैं आप लोगों को अपने इन आने वाले 2-3 वीडियोज़ के अंदर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, स्वीटन कंपनी का ये जो क्रॉसओवर है, इसको यदि आप विदाउट मॉडिफिकेशन देखेंगे, जैसा कि कंपनी सेल करती है, तो उसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ट्विटर पे यदि आप देखेंगे तो उन्होंने दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा रखे हैं, एक तो 2.2 माइक्रोफेरेट का है और दूसरा 0.1 माइक्रोफेरेट का है। उसके बाद उन्होंने एक इंडक्टर कोइल भी लगा रखी है जो कि 0.77 mH की है। फिर जब हम ट्विटर की सर्किट पे आते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक इंडक्टर कोइल लगा रखी है 0.63 mH की। ये उन्होंने 12 dB का अपनी साइट पे बता रखा है, बट 12 dB का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसमें क्या होता है, ट्विटर पे एक कोइल होती है और एक 4.7 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर होता है। यहाँ पर जो मैंने एग्जिस्टिंग यूज़ किया है, तो मैंने ये वाला कैपेसिटर नहीं हटाया, इसलिए इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अदरवाइज दो कैपेसिटर नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही कैपेसिटर मिलेगा आपको 4.7 माइक्रोफेरेट का। और ये जो इंडक्टर कोइल होती है, इसकी कैलकुलेशन होती है वूफर ट्विटर के ओम पे, वो 4 ओम का है, 8 ओम का है या फिर 6 ओम का है, इस पे इसकी वैल्यू निकल के आती है। बट अभी एग्जिस्टिंग मैंने जो यूज किया है, मैंने क्या किया है, इंडक्टर कोइल तो सेम वैसी ही है जैसी थी उसके अंदर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो 2.2 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर था उसको निकाल दिया है, एक कैपेसिटर मैंने 4.7 माइक्रोफेरेट का लगा दिया है, जो कि होना चाहिए था 12 dB के क्रॉसओवर के अंदर। ये वाला कैपेसिटर बहुत कम वैल्यू का है, इसलिए मैंने निकाला नहीं है, बट आपको दिखा दिया है एग्जैक्टली ऐसा ही है जो मैंने साउंड टेस्ट किया है, ट्रायल के अंदर आपको ऐसा ही मिलेगा। अब वूफर में उन्होंने सिर्फ एक कोइल लगा रखी थी 0.63 mH की। मैंने क्या किया है कि कोइल वही है हमारी, एक कैपेसिटर और ऐड कर दिया है पैरेलल में 4.7 माइक्रोफेरेट का। तो ये लगभग जो है 12 dB क्रॉसओवर का सर्किट बन गया है। ऐसा ही मैंने यूज किया है। अब आप इसका साउंड टेस्ट सुनिए। दोनों सर्किट में आप लोगों को जो साउंड का डिफरेंस है वो ज़बरदस्त चेंज दिखने वाला है आप लोगों को। हालांकि इसमें और अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो मैं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये मैंने वूफर लगा रखे हैं, यूज़ किए हुए हैं, उनका ओम जो लिया गया है 8 ओम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना ओम है इनका वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्रॉसओवर में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। ये जो हम 3000 फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला है, यहाँ पर ये माइक्रोफेराडे में निकाला है मैंने, इसलिए ऊपर मैंने ये लिख दिया है। फेराडे में निकालेंगे तो आप 1 लिखा हुआ मिलेगा आपको। माइक्रोफेराडे में मेरे को कैलकुलेशन करनी थी, तो ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे की, तो मेरा कैपेसिटेंस जो आया है 4.7 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर निकल के आया। और L यानी इंडक्टेंस का फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले की जब आप कैलकुलेशन करेंगे, यदि आप 8 ओम का वूफर लेते हैं और 3000 की फ्रीक्वेंसी आप लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को 0.6 mH की इंडक्टर कोइल निकल के आएगी। उसकी इंडक्टन कोइल का जो इंडक्टेंस होता है वो इतना होना चाहिए, जबकि जो मैंने मेजर किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वूफर और ट्विटर की दोनों ही इंडक्टर कोइल का मैंने इंडक्टेंस मेजर किया है अपने LCR मीटर से।
फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे इस साउंड टेस्ट में क्या महसूस हुआ। वैसे आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा कि मेरा जो ये लेफ्ट वाला स्पीकर बॉक्स था, जिसमें मैंने स्वीटन कंपनी के क्रॉसओवर को मॉडिफाई करके उसे 12 dB का बनाने के बाद लगाया था, इस स्पीकर बॉक्स की वॉइस की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी थी। जी हाँ, वोकल भी इसके बिल्कुल हाईलाइटेड होके निकल रहे थे, बिल्कुल एकदम से ब्राइट निकल रहे थे। इसमें से आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी बाहर आ रही थी, जबकि इस वाले स्पीकर बॉक्स में से आवाज़ बिल्कुल दबी दबी लग रही थी, एकदम डल जैसी आवाज़ लग रही थी। मैंने गाने भी सुने हैं, उन गानों को सुनने के बाद मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो आप लोगों को बास सुनाई दे रहा था, उस बास में एक अलग से पंच भी महसूस हो रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाईलाइटेड थी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की निकल के आ रही थी। कोई 19-20 का फ़र्क नहीं था, बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों ही स्पीकर बॉक्स में।